बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। और आज की जो शख्सियत है, अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि ज़िंदगी कांटों भरा सफ़र है, हौसले ही उसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। ये शख्सियत है ही ऐसी, इंसानियत इनका मजहब है और दो मुल्कों के बीच दोस्ती का पैगाम है जिनका मकसद। शास्त्रीय गीत संगीत में रचे बसे घराने से है जिनका ताल्लुक। मशहूर व मारूफ गायक जनाब जावेद बशीर जो है हमारे आज के मेहमान। मेरा गे चरखा नी मेरा गे चरखा मेरा ये चरखा नौ रखा कुड़ी नी मेरा ये चरखा नौ रखा नी मेरा गे चरखा नी मेरा गे चरखा चिरागों का सफर, बुजुर्गों की दुआ, रंग महफिल और आवाज का सहर, जावेद बशीर। जावेद बशीर का ताल्लुक जालंधर पंजाब के नाला घराने से रहा। इश्क करूं या करूं बुजुर्गों की दुआओं और विरासत में मिली मौसिकी की तालीम। जे कोई शान सूफियाना कलाम की चाशनी में सरशार उनकी गायकी सुनने वालों को सहर जदा कर जाती है। आज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे आज मस्ती दे विच मस्ताने नच दे। एल्बम दीवाने नचदे से शुरू हुआ सफर आज तक जारी है। मिकाल हसन के बैंड के साथ भी जुड़े और चल बुल्लिया ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। कोक स्टूडियो से शुरू हुआ एक बेहतरीन सफर जिसमें उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सीजन 7 में एक कंपोजिशन को दो तरह से गाने की कामयाब कोशिश म्यूजिक लवर्स के लिए एक नायाब तोहफा है। एयर रहमान की युवा से बॉलीवुड में एंट्री और फिर एक के बाद एक हिट गीत उनकी मकबूलियत में इजाफा कर जाते हैं। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में इश्क की साजिश है लॉलीवुड यानी पाकिस्तान में बनी फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया।
खास तौर पर मंटो फिल्म को कई अवार्ड भी मिले। पर फेंका है कौन है जो बल खाते जमीरों के पुरपेच धुंधला। संगीत को सरहद में नहीं बांधा जा सकता और इसकी मिसाल है हिंदुस्तान में उनके बेशुमार स्टेज परफॉर्मेंसेस, जहां हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले पहुंचते हैं। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूं इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूं कि जब जब सांसें लेता हूं तेरा ही नाम लेता हूं, ये तूने क्या किया। बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद प्रोग्राम शख्सियत में आपका जावेद साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है और हमारी पूरी ऑडियंस के लिए एक जिसे कहते हैं ना फीस्ट है कि आज आप हमारे बीच में हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ आपका और जो हमारे सारे RSTV जिन्होंने मुझे आज मधु किया है, और बहुत खुशी हो रही है कि जब हिंदुस्तान आते हैं तो एक अपने घर जैसा माहौल, अपने घर जैसे लोग, अपने मुल्क जैसे, मतलब ये आई थिंक बॉर्डर की वजह से ही है। हम दो नहीं तो अगर बॉर्डर ना हो तो हम एक ही लोग हैं। क्या बात है। और बहुत थैंक यू कि आपने मुझे आज बुलाया। जावेद साहब, शुरुआत आप ही के अपने घर से करते हैं। आपके वालदैन पंजाब के जालंधर इलाके में नाला घराने से आते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ अपने घराने के बारे में बताइए। मेरे नाना दादा जालंधर से हैं, नाला गांव है कोई 32 किलोमीटर पर, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। जो मेरे देखिए कितना मैं लकी हूँ, मेरे दादा जो हैं, मेरे नाना, ये सके भाई हैं, एक ही घर में इनका ब्याह हुआ है। तो मेरे दादा जी का नाम है फजल मोहम्मद फज्जू खान। अच्छा। और नाना जी का नाम है गजफर अली गज्जू खान। अच्छा। यानी ये अपने दौर के गज्जू फज्जू खान नाला वाले बहुत मशहूर हैं। अच्छा। इनका जिक्र मैडम नूर जहाँ ने एक सेरेमनी में किया था कि ये इनके तो मतलब गदोले भी गाते हैं, मतलब इनके ये जिन पे सोते हैं ना इनके, वो भी गाते हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसानो करम है कि मैं उनसे, मतलब मेरी वाबस्तगी है उनसे, मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मेरे वाले साहब बशीर अहमद खान साहब, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, वो भी इधर पैदा हुए। मेरी माँ भी इधर पैदा हुई। मेरी माँ का नाम था नजरा बीबी। अच्छा। जब माइग्रेशन हो गई हम चले गए उधर, तो उधर जाके फिर और भी चलता रहा सिलसिला। तो वालिद साहब से आपने तालीम ली? मैंने अपने वालिद साहब से, मैंने अपने वालिद साहब से कव्वाली की तालीम हासिल की, लेकिन मैंने अपने जो क्लासिकल की तालीम है वो मैंने अपने उस्ताद मुबारक अली खान साहब से ली, जो मेरे ताया जी हैं। अच्छा। मेरे अब्बू के बड़े भाई, बड़े भाई हैं। चचा मतलब। हाँ, अंकल हैं बिल्कुल। तो इनके बाद जब माइग्रेशन हो गई हम चले गए, तो वहाँ फिर मेरे वालिद साहब ने कव्वाली का काम शुरू किया। तो उसके बाद मैंने जो भी है उनका साथ दिया, उनका अपने नाना और दादा और वालिद साहब की जो है ट्रेडिशनल है उसको लेके चल रहा है। ये जरूर जानूंगी मैं कि कवाली आपके घराने की खासियत रही, लेकिन आप क्लासिकल की तरफ आ गए, कोई खास वजह रही? कि मेरे जो नाना थे वो क्लासिकल गायक थे। हाँ। और जो मेरे दादा थे वो कवाली करते थे। अब ये दोनों भाई थे। हाँ। तो उसी रीत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। हाँ। हम क्या जॉनरा कर रहे हैं कि एक ही स्टेज पे कवाली हो रही होती है, क्लासिकल भी हो रहा होता है, मतलब इस तरह का हम फ्यूजन कर रहे हैं। तो हमें कवाली का रंग सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ओ मन अटके या बेपरवा दे नाल, मन अटके या बेपरवा दे नाल, उस दिन दुनिया दे शाद नाल। हाँ, उस दिन दुनिया दे शाद नाल, मन अटके बेपरवा दे ना। माशाल्लाह, बहुत सोज है आवाज़ में आपकी। थैंक यू सो मच। मैं ये ज़रूर एक चीज़ जो अभी आप जब गा रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, कव्वाली में आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली, लेकिन आज के दौर में कलाम का इंतखाब और कव्वाली की प्रासंगिकता कितनी देखते हैं आप? ये जो लोग हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जो
जो इन्होंने बात कही है वो पीस की बात कही है, वो अल्लाह का ही मैसेज लेके अपने लोगों तक उन्होंने शायरी के ज़रिए, तपस्या के ज़रिए लोगों को शनाख्त करवाई, प्यार की, मोहब्बत की, जो अहकाम थे उनको अपनी शायरी में, अपनी दरवेशी के ज़रिए लोगों तक तकसीम किया। तो वो कवाली तो हमेशा सरे फरिस्त रहेगी। बाकी ये जो दूसरी काम है, अपना गाना हो गया, कुछ बॉलीवुड हो गया, कुछ पाकिस्तानी हो गया, ये सेकंड है। ये तहजीब जो सूफिया ने दी है, आई थिंक ये इसको कोई कर ही नहीं सकता, इसको पीछे नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल, चाहे वो कवालियों की बात हो या भजन की बात हो, दोनों में उसी की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ उसे एक रोशनी की बात है। नुसरत फतेह अली खान साहब से आप काफ़ी मुतासर रहे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हों तो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत छोटा सा था तो मेरे ताया जी ने मुझे रास्ते में कहा कि यार देखो तुम मेरे भतीजे हो, हम इतना जानते हैं क्लासिकल, तुम आज से तुम्हें मैं सरगम शुरू करवा रहा हूँ, तुम सरगम किया करो। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे सरगम शुरू करवाई, तो वो करते 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 फिर मैं खान साहब की सरगम को बहुत पसंद करने लग गया। फिर मैंने बाकायदगी से उनके गाने भी कवर करने शुरू कर दिए। तो मतलब इस तरह कर करके मैं खान साहब को बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। सुनाइए उनको एक खराज अकीदत के तौर पर। बिल्कुल करता हूँ। सानू एक पल चैन आवे, सानू एक पल चैन सवरे मगरे दजरे गरे रे 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 सगरे रे मग दजरे गम मग बरे रे गम बग मग रे गु एक पल चैन नावे सजना सजना तेरे बिना सजना तेरे बे बेहद हसीन बेहद खूबसूरत। आपके कुछ अपने हैं जावेद साहब जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले ये देख लेते हैं उन लोगों का क्या कहना रहा। बिल्कुल, और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आइए देख जावेद भाई के बारे में कि वो कलाकार तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही कमाल के, और उतने ही कमाल के वो इंसान भी हैं। बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे प्रमोट किया है, हमेशा जहाँ कहीं भी किसी भी बड़े लोगों में गए हैं, जहाँ पे मेरा नाम नहीं भी है, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, मुझे मेरा गाना सुनाया है। और मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं उनका भाई हूँ। बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ और बहुत प्राउड के साथ दुनिया को बताता हूँ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अकबर अली मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा गा रहा है। कहीं ना कहीं जब इस तरह के लोग जुड़ते हैं तो काम करने का अपना एक अलग मजा हो जाता है। बिल्कुल सही, है ना जावेद? बिल्कुल सही। बैंड के साथ भी आप जुड़े, मिकाल हसन बैंड के साथ भी जुड़े, वहाँ कैसे जुड़ते हैं आप? बस वो कह लें कि वो किस्मत में था जुड़ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो मेरे दिल में उस वक्त, मतलब जितना मैं रियाज कर रहा था, रियाज तो आज भी करता हूँ, उस हिसाब से जो मुझे कंपोजिशंस मिल रही थी तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा उस वक्त। एक संपूर्ण एल्बम जो कि आज भी अल्लाह का एहसान है पूरी दुनिया में सुना जाता है, स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत सुना जाता है। जितने भी रिलेटिव शोज़ हैं उसमें वो बच्चे गाने गा रहे होते हैं, जिसमें कभी आमिल सांवल यारवे, फरत बादशाह हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी ये लिखी हुई चीज़ है, और सज्जन दे अथबा, कभी आमिल सांवल यारवे, वारिस शाह लोगों ने बहुत पसंद किया, अमृता प्रीतम जी का। तो वो एल्बम जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। सब तक एल्बम आया, उसमें भी चल बुलिया था, चल बुलिया चल उठे चलिए,
तो अभी जो नया एल्बम आया है मेकाल हसन बैंड का, उसमें जो सारी कंपोजिशंस हैं वो मेरी हैं। अच्छा। आवो सैयो मतलब जितने भी गाने हैं उसने उसमें मैंने कंपोज किए हैं, बाकी गाया वो उस लड़की ने है, शर्मिष्ठा ने। तो अमृता प्रीतम जी वाले में से कुछ सुनाना चाहें? हाँ, वो मैं सुनाता हूँ। हाँ। ये गाना मैं स्पेशली अपने बहुत प्यारे भाई दिलेर मेहदी जी को। हाँ। और जो मेरे दिल के जानी है मिका सिंह। हाँ हाँ। मिका सिंह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब भी मैं इंडिया में आता हूँ, मुझे मतलब छोटे भाइयों जितना प्यार करते हैं। तो सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और ये तीनों लोगों के मैं नाम कर रहा हूँ, हंसराज हंस जी के, दिलेर मेहंदी जी के और मिका सिंह जी। क्या के। बात है। आज आखा वारस शाह कि तो कबरा बेचों बोल के अज कताब इश्क दीदा कोई अग्नावर का हो लाज आखा वारस शादू कि तो कबरा बेचूं भो दे उठ दर्द मदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब आज बेले लाशां ते लौदी परी चनाब आज आखां वारस शानों कि तो कबरा विचोंगो। जावेद साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बॉलीवुड में आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं, बहुत एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स आते हैं, तो फिर हमारे यहाँ बॉलीवुड में शुरुआत कैसे होती है? पाकिस्तान में तो आप गा ही रहे थे, लेकिन जब आप बॉलीवुड आते हैं तो यहाँ का माहौल, यहाँ के मिलने वाले और यहाँ के चाहने वालों का कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? मैं बहुत सबका शुक्र गुज़ार हूँ, स्पेशली शंकर एहसान लॉय का, इतनी अच्छी कंपोजिशन उन्होंने मुझे दी, भाग मिल्खा भाग में और अंग्रेज़, इसमें मैंने और श्रेया ने डुएट किया है। और प्रीतम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे गवाया और भी गवा रहे हैं। तो विशाल शेखर ने मुझे पहला गाना दिया था, पिया तू काहे रूठा रे। कैसे तो, मिला था ये गाना, मैं ज़रूर जानना चाहूँ। ये आई थिंक पहले गाना मैं उस वक्त लंदन था तो ये करके भेजा था, तो मैं एकदम थोड़ा सा शॉक हो गया था कि इतनी मुश्किल कंपोजिशन है, लेकिन अल्लाह का एहसान है। मतलब मेरा स्टाइल है ये, ऊपर वाले की ये मेहरबानी है, तो इन लोगों की भी मैं समझता हूँ मेहरबानी, इन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन बना के मेरे लिए रखी। वो मेरा पहला ब्रेक थ्रू था बॉलीवुड में। अब अल्लाह का शुक्र है सब लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। असल में आर्टिस्ट होता ही मोहब्बत के लिए है, मैं समझता हूँ। समीना जी, वो आर्टिस्ट चाहे वो मुनाफ़कत ना कर रहा हो, मुनाफ़कत को आप समझ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सुर की इतनी भी समझ है या जिसके अंदर इतना भी सुर है, वो कभी जेलस नहीं हो सकता, वो कभी किसी को बुरा नहीं कह सकता, वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि जितना सुर खुद बैलेंस होता है, ये अंदर जाके आपको उतना ही बैलेंस कर देता है। और अल्लाह ताला ने सब आवाजों को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखा है और हर आवाज अच्छी है, बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल, बिल्कुल। मंज जाए और रच जाए और उसको डिवोट कर जाए। बिल्कुल। जावेद साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा है और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें, आइए देखते। जावेद
بشیر صاحب کو ہم خان صاحب بلاتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی بول سکیں وہ کم ہے, اور ہم دونوں ہی بہت پربھاوت ہیں ان کی شخصیت سے, بہت بڑے فین ہیں ان کے. جی, اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, شاگرد ہوں ان کا. اور کوک اسٹوڈیو دیکھتے ہوئے جب پہلی بار ان کو دیکھا اور جو محسوس کیا, سپنے میں شاید نہیں سوچا تھا کہ ان سے اتنا جڑ جائیں گے, ایسا ہمارا ایسوسیشن بن جائے گا. بٹ آج 3 سال ہو گئے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں, جب بھی وہ انڈیا آتے ہیں ہم ملتے ہیں, اکٹھے کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا البم بھی ہم نے اکٹھے مل کے کیا ہے, اور بہت سیدھے, بہت سادے اور بہت ہی کمال کے انسان ہیں. اور میں تو اپنی خوش قسمت, ہم دونوں ہی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں, اور دعا کرتے ہیں بھگوان کے آگے کہ ہم آگے بھی ان کے ساتھ کام کریں اور جڑے رہیں. کیا کہنا چاہیں گے جاوید صاحب؟ دیکھیں سمینہ جی, ان لوگوں کا پیار ہے, محبت ہے. کانو جمی بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں جو کہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم اکٹھے ہی کچھ فلمیں بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں بھائی بہت اچھے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, بہت اچھا میوزک بنا رہے ہیں اور انڈسٹری میں بہت بڑا کام لے کے آ رہے ہیں. اور میری بھی دعا ہے ان کے لیے, جتنا یہ مجھے پیار کرتے ہیں میں بھی ان کو اتنا ہی پیار کرتا ہوں, اور ان کے لیے اچھا گاؤں, میری یہ دعا ہے. بیوٹیفل. صوفی بزرگوں کا کلام آپ بہت پیش کرتے رہے ہیں, تو ایک ضرور ایک چھوٹی سی لائن میں گاتا ہوں, دو لائنیں ہم لوگوں کے لیے بابا بلے شاہ کی. چل چل بلیا چل اوتھے چلیے, چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے, چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने, चल उते चलिए, चल चल बुलिया चल उते चलिए. آپ ہی کی بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی بابا بلے شاہ کے کلام کے بعد, کہ آپ نے کہیں کہا کہ موسیقی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جہاں موسیقی ہے وہاں جدائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل بالکل. ہاں یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہی ہیں. میوزک ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, جس کا کوئی مذہب نہیں ہے, نہ وہ کسی ریلیجس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو جس کو ہم روح کی غذا بولتے ہیں. آئی تھنک اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تب بھی آپ میوزک سن سکتے ہیں, اب اگر آپ لڑائی کے موڈ میں تب بھی آپ میوزک سن سکتے ہیں, خوشی میں تو سب ظاہر دنیا پوری میوزک سنتی ہے. تو ایک میوزک ایسی چیز ہے جس سے روح آباد ہو جاتی ہے, روح خوش ہو جاتی ہے. دونوں ملکوں کے بیچ جس طرح سے آپ نے ایک پل کا کام کیا ہے اپنی موسیقی کے ذریعے, تو یہاں کے سنکاروں کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو. دیکھیں جی, میں تو پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا اور کہتا ہی رہوں گا کہ میرے ماں باپ جلندھر میں پیدا ہوئے, میرے ماں باپ کا پہلا گھر ہندوستان ہے, میں پاکستان میں پیدا ہوا, میرا پہلا گھر پاکستان ہے. تو آئی تھنک میرا پہلا گھر پاکستان ہے, دوسرا گھر انڈیا ہے. تو یہاں کے لوگ جتنا مجھے محبت کرتے ہیں, میں جب تک میری زندگی ہے میں ہندوستان کو چھوڑ نہیں سکتا, یہاں محبت کا پیغام لے کے آتا رہوں گا لوگوں کو. جتنا میری اللہ نے مجھے میری زندگی ہے, جب تک میری زندگی ہے میں ان کو سناتا رہوں گا. اور میں خواہش کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی مکا سنگھ آتے ہیں, ایک سال میں 8-8 دفعہ وہ آتے ہیں, دلیر پاجی بہت آتے ہیں, اور بھی ہندوستانی آرٹسٹ بہت پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں, یہ اس طرح ہی چلتا رہے تاکہ محبت کی جو شمع ہے, جو امن کا پیغام ہے, جو صوفی کا پیغام ہے, یا جو اللہ چاہتا ہے اپنے انسان سے, اس کو ہم روشن رکھیں. چلتے چلتے جاوید صاحب, میں آپ کی پسند کا ایک ہندی فلمی گیت ضرور سننا چاہوں گی. یہ جی کمپوزیشن بہت اچھی ہے, یہ کمپوزیشن رجسٹرڈ آئی تھنک ہو گئی ہے, یہ کریڈٹ جاتا ہے شنکر جی کو, ان کی یہ کمپوزیشن ہے اور مجھے انہوں نے گوائی. او رنگ ریز تیرے رنگ دریا رنگ دریا
बस तेरा बनके हाय नहीं रहना दूजा बनके एक भी सांस अलग नहीं ले प्राण इस तन के है नहीं रहना तुझा बन के। जावेद साहब आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।